वडोदरा शहर के गाजरावाड़ी इलाके में रहते कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों की परेशानी है कि गाजरावाड़ी इलाके को जब वहां से कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं तो प्रशासन के द्वारा इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, और इसी वजह से जो अलग अलग दुकानें हैं, जैसे कि राशन कार्ड की दुकान है और या फिर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो वहाँ पर भी इन लोगों को खड़ा रहना नहीं दिया जा रहा है। उन कोरोना का संक्रमण ज़्यादा ना फैले इसका ध्यान रखते हुए जो गाजरावाड़ी के लोग हैं उनको इन सब जगहों पर नहीं मंजूरी दी जा रही है। इसी बात से यहाँ के लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि पहला फड़िया में रहते यह सभी लोग हैं जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के लोगों के आवाजाही पर रोक लगाई जाए। हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इन सभी नियमों की वजह से, और हमारे एरिया से अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, तो इसीलिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं, जो जीवन जरूरियात की जो चीज़ें हैं, उन्हें लाने के लिए हमें मंजूरी दी जाए। હું ગાજરાવાડી વચલા ફળિયામાં રહું છું। અમારા વિસ્તારમાં ત્રણ ફળિયા છે, પહેલું ફળિયું, વચલું ફળિયું ને ત્રીજું ફળિયું। તો હવે ત્રણ ફળિયામાંથી અત્યારે તો કોઈ કેસ જ નથી અમારે ત્યાં, છતાં પણ સંદેશ પેપરમાં એવું લખ્યું છે ભાઈ ગાજરાવાડીમાં 8 કેસ આવ્યા, બરાબર। તો અમારા વિસ્તારમાં તો કોઈ કેસ જ નહીં, 2 કિલોમીટર દૂર નાલંદામાં જે થયો છે કેસ તે બી અમારા ગાજરાવાડીમાં ખપાઈ જશે। એટલે અમે બહાર નીકળ્યા છીએ તો લોકો અમને ગાજરાવાડીના સમજી ને દવાખાનામાં બેસવા નહીં દેતા, બીજું કંઈ નોકરી જવા નહીં દેતા, બહાર કોઈ ઊભું રહી નહીં રાખતું। એટલે અમારું કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યાં કેસ થયા છે વિસ્તારમાં એ વિસ્તારનું પૂરેપૂરું નામ આપો, ને આ તો 2 કિલોમીટર દૂરથી બી કંઈક કેસ હોય તો અમારો ગાજરાવાડીનું નામ આપી દેજો। શું નામ તમારું? મારું નામ ગાંધી અરવિંદ।